हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। आज के वीडियो में हम थोड़ी सी हल्दी की और खुदाई करेंगे क्योंकि बहुत हल्दी हो रही है और लगातार हटानी पड़ेगी। उस दिन मैंने ना आपको दिखाया था 2x2 के ये मेरे ग्रो बैग में से बस एक ही कोना मैंने निकाला था और 1 किलो से ज़्यादा उसमें हल्दी आई थी, और आज ये दूसरा है ना, मैं एक कोना उसका खोदने वाली हूँ। 3 बार में मुझे लगता है कि मैं निकाल पाऊँगी, बहुत आलस आता है इसको निकालने में भी, ठंडी लगती है, मिट्टी बहुत सूखी हुई है। तो आज ये हल्दी निकाल के और फिर मैं आप लोगों को एक बार बताने भी वाली हूँ कि अचार मैं किस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। तो फूड चैनल पे तो मैं कुछ नहीं डालती, मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो मैं इसी में आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँगी। तो कुछ लोग जो उसमें इंटरेस्टेड ना हो वो भी प्लीज़ उसको है ना देख ले, लास्ट में मैं डाल दूँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है हल्दी का अचार आप किस तरह से बनाते हैं। तो एज़ अ वेजिटेबल भी अगर थोड़ी सी है आपके पास तो कुछ दिन के लिए बना सकते हैं आप, और अचार भी बना सकते हैं। मेरे को बहुत पसंद है और हेल्थ वाइज सर्दियों में इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए मैं रेगुलरली है ना हल्दी ग्रो करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों के साथ भी नहीं आती। तो अगर आपने घर में उगाई हुई हो तो ऑर्गेनिक हल्दी का सेवन अगर हम लोग सर्दियों में करते हैं तो क्या कहने हैं उसके, और बहुत अच्छे से उगती है ये। बस ये है कि 6-7 महीने ले लेती है, तो आपको है ना थोड़ा सा है ना जगह इसकी सुनिश्चित करके रखनी पड़ेगी। तो आज भी मैंने ये पूरा नहीं खोद पाया है, अभी भी 1-2-3 प्लांट्स छोड़ दिए हैं उसमें। और हल्दी ग्रो करने के लिए मैंने आपको बताया मिट्टी बस एक बार अच्छी बना दें आप, उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ होता है इसमें, क्योंकि जब एक बार गांठें थोड़ी सी बनने लग जाती हैं या जमने लग जाती हैं तो हम लोग बार बार खोद के उसमें ड्राई वाला जो है ना फर्टिलाइज़र है या जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह है वो नहीं मिलाते हैं। तो हल्की मिट्टी बनानी होती है इसके लिए, थोड़ी सी रेत मिला लें जिससे है ना गांठें जमने में आसानी रहे, बिल्कुल गठान वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए इसके लिए। अच्छा वर्मी कंपोस्ट वगैरह पहले ही मिला लें उसमें, जो भी आप सूखी खाद मिलाते हैं, गोबर की खाद है, किचन वेस्ट है, या वर्मी कंपोस्ट जो भी आप मिलाते हैं, और उस तरह से थोड़ी रेत ज़रूर मिला लें इसमें, है ना, इसकी मिट्टी तैयार करते हैं जब हल्दी की। तो बहुत अच्छे से उगती है ये, आप देखो आप कितनी कच्ची और बिल्कुल है ना ताज़ा हल्दी, देख के ही दिल खुश हो जाता है। और हल्दी का अचार जब हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें और बाकी अचारों में, क्योंकि इसका जो कच्चापन है अगर आप तभी थोड़ा सा निकाल देंगे बनाते टाइम ही अचार के, तो है ना तुरंत आप इसका सेवन कर सकते हैं, फिर आपको रख के और है ना उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती 1-2 महीने, तो सब्ज़ी की तरह भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं फिर इसका। तो ये आज की मैंने हल्दी खोद दी है, और पहले भी मैंने 1 किलो के करीब निकाल ली थी 2-3 दिन पहले भी। तो अब हम प्रयोग करेंगे इनका और अचार बना लें। आज मैं विशेष कर इसीलिए ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना मेरे से पूछ चुके हैं। तो देखो अच्छे से धो के बिल्कुल मिट्टी निकल जाए इसकी, और छील लेते हैं हम लोग इसको, और फिर चाहे तो आप इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस या गोल स्लाइसेस चिप्स जैसे काट लें इसके, और नहीं तो आप कस सकते हैं। इसमें बहुत टाइम लग जाता है, मुझे ये इस तरह से पसंद आते हैं इसलिए मैं थोड़ा वक्त देती हूँ इसको, और नहीं तो हम लोग कस के भी बना सकते हैं, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और बच्चे वगैरह उसको आराम से खा भी लेते हैं। मसाले सारे वही डलते हैं इसमें जो है ना हम लोग आम के अचार में या कैरी के अचार में जो डालते हैं, निसोड़े कैरी के अचार में पीली सरसों है, राई है, कलौंजी है, सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, हल्दी, मिर्च, नमक, काला नमक, अमचूर लेंगे हम इसमें, क्योंकि है ना हल्दी में थोड़ा सा कसैलापन होता है। हींग का प्रयोग करते हैं, मेथी ज़रूर प्रयोग करते हैं हम सारे अचारों में, तो यही मसाले होते हैं। और अगर आपको है ना घर पे तैयार नहीं करना है तो पैकेट बंद भी आजकल आते हैं और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो एक बढ़िया सा है ना किसी अच्छी कंपनी का रोस्टेड वाला जो मसाले का पैकेट होता है 1 किलो के अचार या 2 किलो के अचार के अलग अलग आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं।
तो मैं क्या है थोड़ा सा हर अचार में साबुत मसाला ज़रूर रखती हूँ, नहीं तो आप इसको अलग से थोड़ा सा एक मिनट के लिए रोस्ट करके जो साबुत मसाले हैं इनको पीस भी सकते हैं दरदरा। तो थोड़ा सा मैं पीसा हुआ प्रयोग करूँगी और कुछ है ना मैं साबुत भी डालती हूँ रखती हूँ उसमें। तो सारे मसाले मैंने ये जोड़ लिए हैं जो आपको बताए हैं, और मेरे तो अंदाज़े से ही चलती है सारी चीज़ें। आपको अगर अंदाज़ा नहीं है तो आप बेटर है कि ये पैकेट ले लें ज़रूर से ज़रूर, मार्केट से जो मिलता है ना अचार के बने हुए पैकेट। तो तेल सरसों का ही यूज़ करेंगे हम, कोई भी अचार हो सरसों का तेल बेस्ट होता है, तो हो सके तो वही यूज़ करें आप। अदरवाइज़ मूंगफली के तेल में भी या तिल के तेल में भी लोग डाल लेते हैं। तो इसमें क्या है, तेल गर्म करने के बाद ठंडा कर लूँ, पहले धुआँ सा आ जाए उसके बाद हल्का सा, और फिर मैं जब ठंडा सा हो जाए ना तो मसाले सारे डाल देती हूँ जिससे हल्के से भुने वो जले नहीं। और फिर मैं हल्दी ऊपर से ही डालती हूँ गैस जला के ही, मतलब बाद में। वैसे ज़्यादातर अचारों में हम लोग ऐसा ही करते हैं कि तेल फिर ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर डाल देते हैं और फिर हिला के बना लेते हैं। इसमें हम लोग ये करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा चलती हुई गैस पे ही मिक्स करेंगे, तो 5-7 मिनट के लिए हम इसमें चला लेंगे कम गैस करके इसको, तो इसका जो कसैलापन है या जो कच्चापन है वो निकल जाता है हल्दी का, और तभी की तभी आप इसको खाने में प्रयोग कर सकते हैं एक दिन रखने के बाद ही। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि सर्दी का सीज़न बहुत लंबा तो होता नहीं है, एक महीने के लिए अचार रखें और फिर प्रयोग करें हम, तो इस तरह से बनाने में बस ये एक फ़ायदा रहता है। तो पूरी तरह से बस सब्ज़ी की तरह ही बना लेते हैं, बस मसाले और तेल थोड़ा सा ज़्यादा होता है अचार की तरह जैसे हम लोग अचार में डालते हैं, अदरवाइज़ फुल है ना इसको सब्ज़ी की तरह प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 5 मिनट अगर हम लोग इसको ऐसे घुमा लेंगे इसमें चलती हुई गैस पे ही, तो इसका जो कच्चापन है हल्दी का वो निकल जाता है और बहुत टेस्टी सा अचार बन के तैयार हो जाता है। फिर अगर अब जैसे मैंने इतना सारा बनाया है, मैं ज़्यादा दिन के लिए रखूँगी, तो मैं सिरका आप डाल सकते हैं। अगर तेल कम प्रयोग करना चाहते हैं तो 2-3 चम्मच सिरके के यूज़ कर सकते हैं आप, कोई सा भी सिरका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ तेल भर के रख देंगे अगर आप बरनी में थोड़ा ऊपर तक इसके अचार के ऊपर तक जो आए, तो ये लंबे समय तक के लिए चलता रहेगा। बस ये ध्यान रखें कि आप जिस भी चीज़ में भर रहे हैं वो अच्छा सा धुआँ दे के उसको सुखाया हुआ हो, धूप में सुखाया हुआ हो, साफ़ सुथरा बर्तन हो, और गीला चम्मच वगैरह कभी भी प्रयोग ना करें इसके लिए, गीले हाथ भी ना लगाएं ऐसा लंबे टाइम वाले अचार के लिए। तो आप ये सब चीज़ें अगर सावधानी बरतें तो ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा चलता है फिर अचार, ख़राब होने के कोई चांस नहीं होते। तो मैं तो छोटे एक डब्बे में निकालती जाती हूँ, जैसे बच्चे वगैरह सब प्रयोग करते हैं इसको, तो और बड़ा बरनी जो है उसको फिर हाथ नहीं लगाने देती किसी को। तो ये हमारा तरीका रहेगा, बिल्कुल आसान है। देखो आप बस इसको है ना छीलने और कसने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा मेरे को तेल कम लग रहा है इसमें, तो मैं और डालूँगी गरम करके अच्छे से धुआं देके और फिर बंद करके, और बिल्कुल अभी तो मेरा तो ये इस पे चल रहा है, नहीं तो ठंडा करके आप फिर डालें बर्नी में जब भरना होता है, तो फिर गरम तेल का प्रयोग ना करें। तो ये बढ़िया सा अचार तैयार हो गया है, और हल्दी उगाना बहुत आसान है। जो लोग सब्ज़ियाँ उगाते हैं मैं उनको सलाह दूँगी कि ज़रूर उगाएँ, हल्दी का बीज हल्दी ही होती है, कच्ची हल्दी जो होती है वही हल्दी का बीज होता है। तो एक बार आप उगाने लगेंगे तो आपके पास ही अवेलेबल होने लग जाएगा, एक बार आपको बस कोशिश करके मार्केट से लेके आना होगा सब्जी मंडी से कच्ची हल्दी को, और वो उस टाइम फरवरी मार्च के टाइम वाला आप संभाल के रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो बस ऐसे ही बनता है ये अचार, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। नमस्कार।